गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं सेकंड चैप्टर से रिलेटेड। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ाया था, डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करें उसके बारे में बताया था, उसका कुछ पार्ट रेस्ट रह गया था जिसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का क्लास देखने के पहले इसके पहले वाले वीडियोस जो हैं उसको जरूर देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं वहां से, तभी आज का क्लास अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो हम लोग अपने क्लास को आगे कैरी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बने रहिए मेरे साथ फोकस ऑन फिजिक्स के साथ। देखिए, आज हम पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डाइमेंशंस। डाइमेंशंस के बेस पर फिजिकल क्वांटिटी के टाइप, कितने टाइप के होते हैं? तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो डाइमेंशंस के बेस पर चार टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर में देखते हैं डाइमेंशनल वेरिएबल, यानी कि देखिएगा, दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी विच पॉसेस डाइमेंशंस बट विच पॉसेस डाइमेंशंस बट वेरिएबल वैल्यूज। डायमेंशंस तो प्रोसेस करता है लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे मान लिया कि एक दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट वन और यहां पर मान लिए हम ऑब्जेक्ट टू। इस ऑब्जेक्ट का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और ऑब्जेक्ट टू का स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, इसका अगर हम डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करें स्पीड का, तो स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस यानी कि लेंथ, तो एल, टाइम यानी कि सेकंड, टाइम को टी। इसके पहले मैंने बताया था डायमेंशनल फार्मूला के बारे में कि डिस्टेंस लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन एल होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है। अब इसको अगर हम सॉर्ट आउट करें तो एल वन टी माइनस वन लिख सकते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज कोई पावर नहीं है, तो कितना होगा? वन पावर होगा, ठीक है। इसमें मास कितने हैं? जीरो हैं। तो ऑब्जेक्ट वन का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है? एम जीरो एल वन टी माइनस वन। ऑब्जेक्ट टू का निकालते हैं, इसमें भी इसका यूनिट कितना है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर यहां पर है, यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर यानी कि लेंथ और सेकेंड यानी कि टाइम। वन वन यानी कि एल वन टी माइनस वन, तो यहां पर भी हो गया एम जीरो एल वन टी माइनस वन, यानी कि यहां पर भी स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया? सेम आया, यानी कि वैल्यू डिफरेंट है। यहां 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये किससे चल रहा है? 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है क्योंकि दोनों का सेम यूनिट है और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है। अगर दो क्वांटिटी का यूनिट सेम हो जाए तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। अब अगर मान गए वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले तो डिस्प्लेसमेंट बाई कितना हो जाएगा? टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ और टाइम यानी कि टी। फिर इसको सॉर्ट आउट करें तो एल वन टी माइनस वन, ये भी आ गया एम जीरो एल वन टी माइनस वन। तो वेलोसिटी भी क्या है, कौन सा किसमें जाएगा? ये डायमेंशनल वेरिएबल में जाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज तो हो सकता है बट उनका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। या किसी दो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक दूसरे के कंपेयर में उनका वैल्यू चेंज हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। उसी तरह फिर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। फिर यहां पर डेंसिटी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी डिफरेंट होता है लेकिन दोनों का यूनिट सेम होता है, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। तो डेंसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, स्पीड हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है,
दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिफरेंट, दो ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोनों के यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे। और जब यूनिट सेम होगा तो क्वांटिटी सेम होगा, क्वांटिटी सेम होगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। तो ये एग्जाम्पल थे किसके, डायमेंशनल वेरिएबल के एग्जाम्पल थे। मिटाए बच्चों इसको, चलिए सेकेंड नंबर में देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर है डायमेंशन लेस वेरिएबल, सेकेंड नंबर है डायमेंशन लेस वेरिएबल। देखिए सेकेंड पढ़ना है हमको, डायमेंशन लेस वेरिएबल सेकेंड, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है डायमेंशन लेस, यानी कि जिसका डायमेंशन हो ही नहीं, ठीक है ना। जैसे कि लिख सकते हैं कि इट पॉसेस नो डायमेंशंस, इट पॉसेस नो डायमेंशंस बट वेरिएबल वैल्यूज, डायमेंशंस पॉसेस नहीं करेगा लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, वेरिएबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल ले लेते हैं एंगल का, एंगल, एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल यानी कि लेंथ, लेंथ को कैपिटल एल से, और रेडियस यानी कि ये भी लेंथ, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया और क्या बच हो गया, ये डायमेंशन लेस हो गया, यानी कि एंगल जो होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं लेकिन वैल्यू तो डिफरेंट होगा, कहीं पर 30 डिग्री फॉर्म हो सकता है, कहीं पर 45 डिग्री फॉर्म हो सकता है, कहीं पर 60 डिग्री, कहीं पर 180, कहीं पर 360 डिग्री तो फॉर्म हो सकता है डिफरेंट, बस उनके कहीं पर भी कितना भी डिग्री बना ले उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होते हैं, कोई डायमेंशन उनके पास नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि स्ट्रेन का, इसके पहले स्ट्रेन का फॉर्मूला और उसका डायमेंशन फॉर्मूला बताए थे कि फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशंस बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो मान के लेंथ चेंज हो रहा है तो चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, या अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो चेंज इन लेंथ यानी कि लेंथ है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल, और चेंज इन सॉरी जो ओरिजिनल लेंथ है नीचे उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा, एल वन, एल वन कैंसिल, इसके पास क्या हो जाएगा, नो डायमेंशन हो गए, इसके पास भी नो डायमेंशन हो गए। वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, और नीचे भी हो जाएगा मीटर क्यूब। अब देखिए मीटर क्यूब यानी कि डायमेंशन एल क्यूब, और यहां पर मीटर क्यूब यानी कि डायमेंशन एल क्यूब, क्योंकि मीटर क्या लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल होता है, दोनों कैंसिल, ये इसके पास भी क्या हो गया, ये भी नो डायमेंशन इसके पास भी हो गया, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया, यानी कि इनके पास डायमेंशन भी नहीं होता है और वैल्यू भी फिक्स नहीं होता है। किसमें, डायमेंशन लेस वेरिएबल में, यानी कि जिसका वैल्यू भी वेरिएबल हो और जिसमें डायमेंशन भी नहीं हो, डायमेंशन लेस वेरिएबल। इसके पहले पढ़े थे डायमेंशनल वेरिएबल, यानी कि जिसमें डायमेंशन तो हो लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा हो, इसमें डायमेंशन भी नहीं है यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और वैल्यू भी क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है, वैल्यू भी चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, ठीक है। नोट कीजिए थर्ड नंबर हम लोग देखें, नोट कीजिए बाबू, मिटाएं, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं, नोट कीजिए। चलिए थर्ड नंबर में आता है, वेरिएबल तो हो चुका है, अब आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। अब नाम से आपको पता चल गया होगा कि डायमेंशन हो और उनका वैल्यू भी क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि लिख सकते हैं इट पॉसेस डायमेंशंस एंड हैव कांस्टेंट वैल्यूज, वैल्यूज भी कांस्टेंट हो। जैसे
एग्जाम्पल क्या होगा सोचो, एग्जाम्पल होगा जैसे कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एग्जाम्पल हो सकता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका ये वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ है वो सबके लिए कांस्टेंट होता है और इसके साथ यूनिट हैं जिनका डायमेंशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर न्यूटन है तो फोर्स का डायमेंशन रख दीजिए, मीटर है तो लेंथ का डायमेंशन रख दीजिए, और बाई केजी स्क्वायर है तो यहां पर केजी यानी कि मास का डायमेंशन रख दीजिए कैपिटल एम। सॉल्व कर लीजिए, इसके पास डायमेंशंस भी आ जाएंगे, इनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और इनका डायमेंशंस भी फिक्स है, कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट और डायमेंशंस भी कांस्टेंट। चलिए फोर नंबर में आता है, समझ गए होंगे कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट समझ में आ गया होगा जिसका डायमेंशन नहीं हो लेकिन वैल्यू क्या हो कॉन्स्टेंट हो, यानी कि लिख सकते हैं इट पॉसेस नो डायमेंशंस, इट पॉसेस नो डायमेंशंस बट हैव कॉन्स्टेंट वैल्यूज, लेकिन इनके पास जो वैल्यू होते हैं वो कॉन्स्टेंट होंगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल के रूप में पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो वैल्यू तो कांस्टेंट है बट इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि पाई का कोई यूनिट नहीं होता है, तो पाई इज इक्वल टू 22/7 तो ये वैल्यू इसके कांस्टेंट तो हुए बट इनके पास क्या है डायमेंशंस नहीं है, तो इस कंडीशन में वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायमेंशंस अवेलेबल नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होता है। तो क्या फिजिकल क्वांटिटी को कितने भाग में बांटा गया, चार भाग में, एक हुआ डायमेंशनल वेरिएबल और एक डायमेंशन लेस वेरिएबल, दूसरा डायमेंशनल कॉन्स्टेंट और थर्ड नंबर में सॉरी फोर नंबर में डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नोट कीजिए फिर आगे वाले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, नोट कीजिए इस बात बेटा बच्चों, आगे चलिए। अब बात मन में तरह तरह की बातें उठ रही होगी कि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका हम चल रहे हैं समझाने के डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को नया टॉपिक मिला होगा ये डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी तक नहीं पढ़े होंगे, तो मन में तरह तरह की बातें उठ रही है कि स्पीड पढ़ते हैं हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड जानने के लिए, बाकी क्वांटिटी के बारे में पता करते हैं उससे रिलेटेड जानकारी लेने के लिए, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए तो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, हम बताया था आप लोगों को कि दो क्वांटिटी का अगर यूनिट का सिस्टम अलग अलग हो, जैसे मान गए कि एक एसआई सिस्टम में हो, एसआई सिस्टम में हो और दूसरा सीजीएस सिस्टम में हो, क्वांटिटी क्या हो सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या हो जैसे कि मान के क्वांटिटी Q1 मान लिए, इसको Q2 मान लिए, दोनों क्वांटिटी सेम हो, जैसे मान गए कि डिस्टेंस, डिस्टेंस एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है मीटर और सीजीएस सिस्टम में इसका एसआई यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करें हम, डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो मीटर यानी कि लेंथ एल, एल का पावर वन दे देंगे तो एम जीरो एल वन टी जीरो। अच्छा सेंटीमीटर भी क्या है, एक लेंथ है तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल वन हो जाएगा, यानी कि इसका भी डायमेंशन हो जाएगा एम जीरो एल वन टी जीरो। देखिए तो सिस्टम बदलने से डायमेंशनल फॉर्मूला पे कोई असर नहीं होता है, एसआई सिस्टम से अगर सीजीएस सिस्टम में चले जाएं या एमकेएस सिस्टम में चले जाएं या एफपीएस सिस्टम में चले जाएं फिर भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा हमेशा सेम ही होगा। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, जैसा कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, किसकी मदद से डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से,
ठीक है, मिटाएं इसको। बात समझ में आ गई होगी कि सिस्टम ऑफ, बात समझ में आ गई होगी कि सिस्टम बदलने से, यानी कि एसआई सिस्टम से सीजीएस में भी अगर चले जाएं, सिस्टम बदलने से डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। कब? जब दोनों क्वांटिटी सेम हो, एक ही क्वांटिटी का दो सिस्टम निकाल रहे हो, दो सिस्टम में उसका यूनिट निकाल रहे हो, या दो सिस्टम में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हो, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए, इसी से रिलेटेड हम लोग चल रहे हैं पढ़ने, कन्वर्जन ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ज करना। अब जैसे देखिए, सॉर्ट आउट करते हैं, जैसे मान गए कि दो सिस्टम, जैसे कि मान के सिस्टम बाद में पहले देखिए, जैसे कि मान गए कि फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है, एन यू, जहां पर एन क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू क्या होता है यूनिट होता है, एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू और यू फॉर क्या होता है उसका यूनिट होता है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी को किसी से डिनोट करते हैं हम लोग, क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू हो गया एन यू। अगर दो सेम यूनिट हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर क्यू वन इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन वन यू वन, और क्यू टू इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन टू यू टू, यानी कि क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू लिख सकते हैं कब, जब दोनों क्वांटिटी सेम हो। कब लिख सकते हैं हम लोग, इफ बोथ क्वांटिटीज आर सेम, बोथ फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगे तो क्यू वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्यू टू, यानी कि एन वन यू वन इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन टू यू टू। तो अगर यहां से हम एन टू निकालें तो लिख सकते हैं एन वन यू वन बाई एन वन यू वन बाई यू टू इज इक्वल टू एन टू। ये कब होगा, जब सिस्टम डिफरेंट हो बट क्वांटिटी क्या हो सेम हो। जैसे फोर्स, फोर्स का सीजीएस यूनिट कुछ और हो, जैसे कि डाइन होता है, और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, क्वांटिटी दोनों सेम है, दोनों क्या है फोर्स ही है, यानी कि क्यू वन क्या है फोर्स और क्यू टू भी क्या है फोर्स, लेकिन उसका यूनिट जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि सिस्टम डिफरेंट है, एक में एसआई सिस्टम में निकाल रहे हैं, दूसरा में किस में निकाल रहे हैं सीजीएस सिस्टम में निकाल रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हम लागू कर सकते हैं, तो इसको माइंड में रखिएगा, बाकी हम मिटा देंगे। रिमाइंडर के लिए हमारे पास आ गया एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, अभी जस्ट इसके पहले आया था, और जब हमने एन टू निकाला था तो आया था एन वन यू वन बाई यू टू, एन कैलकुलेट हुआ था इसके जस्ट पहले। अब देखिए, मान गए कि सेम फिजिकल क्वांटिटी है, देखना ध्यान से, सेम फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन उनका सिस्टम अलग अलग है। जैसे कि यहां पर सपोज करो कि एसआई सिस्टम है, और यहां पे सपोज करो कि सीजीएस सिस्टम है। एसआई सिस्टम में मास को किस में मेजर करते हैं, एसआई सिस्टम में मास को केजी में, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एम वन एम, फिर लेंथ को किस में मीटर में, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल, और थर्ड टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल टी। वही सीजीएस में आता है, सीजीएस में मास का यूनिट क्या होता है ग्राम, मास का यूनिट क्या होता है ग्राम, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम होगा, क्या होगा एम कैपिटल एल। उसी तरह हम बताया था कि सिस्टम बदलने से डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है,
बस उनका वैल्यू चेंज हो सकता है बट डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए मास हो गया, उसके बाद आता है लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर, यहां सेंटी, सी फॉर सेंटी, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, सेंटीमीटर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ है तो एल होगा। अब सेकंड थर्ड केस में टाइम, टाइम का यूनिट दोनों में सेम होता है, यहां भी सेकंड है और ऐसा यूनिट में भी टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो टाइम का यूनिट सेकंड हो गया और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? टी होता है। अब अगर यूनिट को, ये क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, यानी कि ये इससे रिलेटेड क्वांटिटी का यूनिट भी बता रहा है, मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, या मास ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकंड। यानी कि इसको अगर एक साथ कर दें, इसको अगर हम एक साथ कर दें तो क्या हो जाएगा? ये यूनिट हो जाएगा। तो चूंकि डिफरेंशिएट करने के लिए मान लीजिए m1 l1 t1, यहां पर m2 l2 t2 मान, तो यहां पर अगर यूनिट निकाले हम u1, यहां पर यूनिट u1 u2, n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, n2 फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इन सेकंड सिस्टम, तो u1 का सबको एक साथ कर देंगे m1 l1 t1। इसमें अगर u2 निकाल लें हम, u2 निकाल लें, कितना हो जाएगा? m2 l2 t2 हो गया। अच्छा बच्चों एक चीज पढ़ाया था हम डायमेंशनल फॉर्मूला में इसके पहले के क्लास में, कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होते हैं वो पावर नोटेशन को भी डिनोट करते हैं। जैसे मान लें एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या मीटर यानी कि लेंथ, मीटर यानी कि लेंथ कैपिटल एल, और सेकंड यानी कि टाइम टी स्क्वायर, जब ऊपर भेजेंगे तो एल टी माइनस टू हो गया, तो एम जीरो एल वन कितना हो गया? टी माइनस टू हो गया। हमें सब पावर नोटेशन में लिखते हैं, कुछ पावर नहीं होता है तो जीरो कर देते हैं, कोई क्वांटिटी उसमें अवेलेबल नहीं होता है तो उसको जीरो कर देते हैं, और पावर कुछ नहीं होता है तो उसको वन मान देते हैं। तो सपोज कीजिए इस पावर को ए मान लिए, इस पावर को बी मान लिए, और इस पावर को सी मान लिए। अब यहां पर लिख सकते हैं यू वन इज इक्वल टू एम वन पावर ए, एल वन पावर बी, और टी वन पावर सी। पावर सी इसमें सेम, यू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम टू एल टू टी टू है तो एम टू ए, एल टू बी, और टी टू सी, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए मिटाएं इसको, उधर का ऊपर से थोड़ा सा सिस्टम मिटा रहे हैं, यहां से नोट कर लीजिए यहां तक, फिर आगे हम लोग मिटाएं और आगे पढ़ें। ये मिटा रहे ऊपर से, ज्यादा नहीं मिटाएंगे। चलिए देखिए, अब हम पढ़े थे अभी कि फिजिकल क्वांटिटी का सिस्टम वन में जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सिस्टम टू में भी होगा, यानी कि n1 u1 is equal to n2 u2। तो लिख सकते हैं n1 u1 is equal to n2 u2, और n2 बराबर, n2 is equal to n1 u1 by कितना? u2 हो गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए इसका वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, इसका वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए n1, तो n1 n2 क्वांटिटी का निकालना है, ये क्या है? सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है और फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये सेकंड सिस्टम में यूनिट है और ये फर्स्ट सिस्टम में यूनिट है। तो n1, n1 को रहने देते हैं और बचे क्या? u1 by u2। तो यहां पर u2 कितना था? m2a l2b और t2c, और यहां पर जस्ट हमने अभी निकाला था कि u1 था कितना? m1a l1 b और t1 कितना था? c था। तो वैल्यू पुट करते हैं n1 को, n1 कितना है? तो m1, सॉरी यहां पर तो वैल्यू पुट करते हैं, n1 रख दिए, अब यहां पर कितना है? u1, u1 कितना है? तो m1a l1 b और t1 c, अब by u2 कितना है? m2a l2 b और t2 कितना है? c है। इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से कवर कर दिया, पढ़ाए थे कि डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से कवर करते हैं। अब इसका काम खत्म, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहां पर n2 इज इक्वल टू n1 इन टू, अब m1 को एक साथ कर दीजिए, l1 l2 को एक साथ कर दीजिए और t1 t2 को एक साथ कर दीजिए, तो लिख सकते हैं यहां पर कैपिटल m1 a by m2 a, यहां छोड़ दीजिए, का पावर, दोनों का पावर कितना है a, a जब इसका एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर l1 by l2 का पावर b और t1 by t2 का पावर c, यही हो गया फॉर्मूला एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम फॉर अ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, फोर्स का प्रेशर में चेंज नहीं कर सकते हैं हम, फोर्स के सीजीएस यूनिट को एसआई में या एसआई यूनिट को सीजीएस में बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि फोर्स के सीजीएस को हमने प्रेशर के एसआई में बदल दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, हमेशा सेम क्वांटिटी के लिए एप्लीकेबल होता है। अब चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे न्यूमेरिकल में दे दे कि कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइम, कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइम, ठीक है, हम यहां पर सबसे पहले दो बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, एक तरफ एसआई यूनिट लिख दिए, क्या है यहां पर वन न्यूटन यानी कि वन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, दूसरी तरफ हमने लिख दिया किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है, अब वन न्यूटन मतलब वन यूनिट जो है, वन यूनिट वन न्यूटन कितने डाइन के बराबर है वो निकालना है, यानी कि एन वन तो पता है वन लेकिन एन टू पता नहीं है, तो डाइन, डाइन में क्या किया जाता है, इसमें सी जी एस होते हैं, यानी कि केजी को ग्राम में बदलते हैं, उसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं और सेकंड टाइम है तो टाइम को सेकंड में ही रहने देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या क्या था, एन वन यू वन क्यू वन, एन वन यू वन क्यू वन, तो क्यू वन कितना है, टोटल क्वांटिटी कितना है वन न्यूटन, तो क्यू वन का दबाव खत्म करो, सबसे पहले लिखते हैं इसका, यहां पर मास वन कितना है, मास वन किसमें है, केजी में, तो कितना है वन केजी, और वन केजी मास वन, वन केजी और वन केजी कितना ग्राम की इक्वल, तो थाउजेंड ग्राम लिख दीजिए यहां पर। फिर यहां पर मीटर, मीटर यानी कि लेंथ, तो एल वन कितना है, वन मीटर है और वन मीटर कितना की इक्वल, हंड्रेड सेंटीमीटर की इक्वल लिख दिए, यहां पे क्या है सेकंड है, तो टाइम वन कितना है, पावर टू है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पीछे कितना छिपा हुआ है वन, तो टाइम भी कितना है वन सेकंड है। उधर चले हम लोग, इसमें मास टू एम टू किसमें है, ग्राम में, तो वन ग्राम, ठीक है, फिर लेंथ टू सेंटीमीटर है, इसके पीछे कितना है वन है, इसके पीछे तो वन सेंटीमीटर मान लिए, लेंथ टू कितना है वन सेंटीमीटर और टाइम टू कितना है वन सेकंड है, क्लियर इतना। अब इसमें देखना, इसमें एन वन कितना है वन, एन वन कितना है, एन वन का क्वांटिटी कितना है यहां पर वन न्यूटन है, अगर फाइव न्यूटन रहता तो यहां पे हम फाइव लिखते, तो एन वन कितना है, एन वन है और N2 आपको निकालना है कि N2 कितना होगा, फॉर्मूला में डायरेक्ट रखिए N2 इज इक्वल टू, देखना N2 इज इक्वल टू N1 इनटू मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ M1 by M2 का होल पावर A, फिर L1 by L2 का होल पावर B और टाइम वन बाई टाइम टू का होल पावर सी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इधर बेटा ये फॉर्मूला तो मैंने वहां लिख दिया, ध्यान से समझना, ध्यान से अच्छे से समझना बाबू। देखिए अब यहां पर कितना हो गया एन वन, तो एन टू निकालना है, एन टू इज इक्वल टू एन वन कितना है बाबू, एन वन वन है तो वन रख देंगे, इन टू
ये मास किसमें है, m1 कितना है, m1 कितना है 1 kg, तो लिख देंगे 1 kg by m1 by m2, तो m2 कितना है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम। अच्छा ये देखो, यहां kg का पावर कितना है 1 है, यहां kg का पावर कितना 1 है, तो यहां a के बदले में हम 1 लिखेंगे, ठीक है, a के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना टर्म हो गया, अब सेकंड टर्म L1 by L2, लेंथ 1 by लेंथ 2, तो लेंथ 1 कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर और by लेंथ 2 1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां मीटर में का पावर कितना है 1 है, तो b के बदले में हमने 1 दे दिया। अब टाइम 1 कितना है 1 सेकंड, और by टाइम 2 भी कितना है 1 सेकंड, लेकिन यहां पावर देखना, यहां सेकंड का कितना है स्क्वायर है, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि नीचे है ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, केजी मीटर आप बाई कितना है सेकंड स्क्वायर है, तो सेकंड को अगर ऊपर ले जाएं, सेकंड को ऊपर ले जाएं, तो केजी मीटर सेकंड पर कितना हो जाएगा -2, तो टाइम पर कितना है -2, तो यहां पर -2 लिख देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ में जरूर आएगा। अब देखिए कन्वर्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाइड खत्म, केजी को किस में चेंज करना है ग्राम में, उसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड में, तो केजी को किस में ग्राम में, तो 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम, तो हमने लिख दिया 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम का पावर कितना है 1, तो 1 दे दिए, फिर ब्रैकेट 1 मीटर, 1 मीटर कहाँ लेंथ, 1 मीटर को किस में बदलना है सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर और बाई कितना 1 सेंटीमीटर। टाइम 1 सेकंड है, सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कोई चेंज इसमें नहीं देंगे, इसमें 1 by 1 लिख करके, और पावर कितना है -2 लिख देंगे हम यहां पर, पावर तो कितना लिख दिए, यहां पावर कितना लिख दिए हमने -2 लिख दिए, पावर इसका लिख दिया -2। अब देखिए 1000 है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 1000 बच गया, इसको क्या लिख सकते हैं 10^3^1, यहां पर 100 cm है, 100^2/1, और ये 1 का पावर 1 का अगर -2/1 में 1 का पावर अगर -2 हो या 2 हो, उसका वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है, तो (1) कर दीजिए। अब 3 1 3, तो 10^3 इंटू 10^2 लिख दिया यहां पर 10, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है जोड़ देते हैं, तो 10^5, कहां से चले थे हम लोग 1 न्यूटन से चले थे, यहां पर देखिए 1 न्यूटन से चले थे, किसमें जाने के लिए टाइम में, तो 1 न्यूटन से चले यानी कि हमारे पास आ गया कितना 1 न्यूटन इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन, यानी कि दोनों के बीच का रिलेशन पता हो गया, क्या होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन होता है। यहां पर क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए, एक और एग्जांपल से समझा देते हैं, मिटा दें इसको, चलिए एक और एग्जांपल से समझिए इसको। आएगा समझ में, जरूर आएगा, बस पढ़ते रहिए, जरूर समझ में आएगा आप लोगों को, कन्वर्ट करते रहिए। यहां पर क्या था, ये फॉर्मूला रहने देते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 बाय, इसको हमने यहां से मिटा दिया। चलिए एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एक और कन्वर्जन देखते हैं, convert 1 joule in arg, यानी कि 1 joule जो SI unit है उसको किस में convert करना है, arg में convert करना है, फिर 2 बॉक्स बनाएंगे, यहां पर हमने लिख दिया 1 joule, यहां पर हमने लिख दिया arg। अब 1 joule कितना के बराबर लिखे हैं, देखिए
जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी का, और एनर्जी का फॉर्मूला एमजीएच हो सकता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, या हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर होता है, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई भी रख सकते हैं। फिलहाल एमजीएच रख दिए, तो मास का अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पहले देखते हैं या यूनिट देखते हैं। मास का यूनिट केजी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये, ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू हाइट है तो मीटर हो गया, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर, और बाई कितना हो गया? सेकंड स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो केजी का कैपिटल एम मास, मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ तो एल स्क्वायर, और बाई सेकंड स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर, ये कितना हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो वन जूल कितना के बराबर होगा? वन के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। अर्ग में कन्वर्ट करना है, के जी को किस में? ग्राम में, सी जी एस आई। यहां पर क्या है, यहां पर एक चीज लिख लो, ये एसआई सिस्टम है और ये कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम है। तो सीजीएस में केजी को ग्राम में, मीटर स्क्वायर को किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में, और सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर में रहने देंगे। चलिए फिर पुराने जैसा यहां पर लिखते हैं एम वन एल वन और टी वन, फिर इधर एम टू एल टू टी टू। देखते हमने मास वन कितना केजी है? वन केजी, जो कितना के बराबर होगा? 1000 ग्राम के बराबर होगा। यहां पर एम वन एल वन है, ये एल वन है, तो एल वन कितना के बराबर है? मीटर स्क्वायर कितना है? वन मीटर है, तो वन मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, या वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेम चीज है। अच्छा, टाइम वन किस में है? सेकंड स्क्वायर में है, तो टाइम वन का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? वन सेकंड है, लिख दिए। सेम टू सेम मीटर टू, सॉरी सेम टू सेम मास टू में, मास टू किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है, कितना है? वन ग्राम है। इधर लेंथ टू यानी कि लेंथ टू एल टू यानी कि मीटर स्क्वायर को किस में? सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि वन सेंटीमीटर स्क्वायर इधर भी है, और इधर भी टाइम कितना है? वन सेकंड है, और इधर भी टाइम कितना है? वन सेकंड है, सेकंड का स्क्वायर है, तो बाद में फॉर्मूला में रखेंगे हम लोग, ठीक है? ये मिटा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला वाला। सेम वही, तो इसमें एन वन कितना है? वन जूल। एन वन कितना है? वन, वन यूनिट है, ठीक है? क्या निकालना है हमको? एन टू निकालना है कि एन टू कितना यूनिट होगा, ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला से पता होगा एन टू इज इक्वल टू एन वन इंटू एम वन बाई एन टू का पावर ए, फिर एल वन बाई एल टू का पावर बी, और टी वन बाई टी टू का पावर कितना? सी। सबका वैल्यू पुट करते हैं, एन वन कितना है? एन वन यहां पर कितना यूनिट है? वन यूनिट, हमने वन लिख दिया, इनटू एम वन स्टार्टिंग कितना? वन के जी, तो वन के जी बाई एम टू है वन ग्राम, चूंकि यहां पर केजी का पावर क्या है? वन है, केजी का पावर कितना है? वन है, इसका पावर वन दे देंगे हम, ठीक है? उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? केजी का कितना होगा? अगर हम जूल का यानी कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो अभी निकाले थे, क्या आया था हमको? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो एम का पावर कितना है? वन है, वन दे दिया। एल का पावर कितना है? टू है, तो बी के बदले में हम टू लिखेंगे, तो पहले एल वन लिखते हैं, कितना मीटर है? वन मीटर, और एल टू है वन सेंटीमीटर का पावर, डायमेंशन फॉर्मूला में देखिए पावर कितना है? टू। फिर टाइम वन, टाइम वन वन सेकंड है, और टाइम टू भी कितना है? ये वन सेकंड है, ये भी वन सेकंड है, लेकिन पावर कितना है? सेकंड स्क्वायर, फिर नीचे सेकंड है, तो बताया जिसके पहले नीचे सेकंड हो तो माइनस टू लिखेंगे पावर, हो गया? अब सॉल्व कीजिए,
केजी को किस में कन्वर्ट करना है, जो वन खत्म, केजी को ग्राम में, तो वन केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यहां पर लिख दिया 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम। यहां पर 1 मीटर को किस में, सेंटीमीटर में, यहां पर लिख देंगे 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और इनटू टाइम को टाइम में, तो 1/1 का पावर -2। अब देखिए ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, और वो तो खत्म नहीं है, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10^3/1 का पावर, ये 1 चला रहा है 100 को, तो 10^2 का बाई 1 का पावर कितना है, तो 2 है, 2 छूट गया, पावर 2, और यहां पर 1^-2 बच गया हमारे पास, 10^3 बन जाए 3 इंटू 2^2 = 4 और इंटू 1^-1 होता है, बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 10^7 चले कहां से, हम लोग 1 जूल से चले थे, तो 1 जूल इज इक्वल टू आ गया 10^7 किसमें पहुंच गए, अर्घ में, 10^7 अर्घ हो गया। अब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज समझ में आ रहा होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जब तक निकालेंगे नहीं तब तक ये पावर बैठाना काफी मुश्किल होगा, ए बी सी का वैल्यू देना काफी मुश्किल होगा। तो सबसे पहले जिस क्वांटिटी को जिसमें कन्वर्ट करना है आप डायमेंशनल फॉर्मूला बैठा लीजिए, उसके बाद से सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला याद करने का बहुत आसान तरीका है, N1 N2 निकालना है तो सारे 2 वाले टर्म नीचे रख दीजिए, ठीक है, और सारे 1 वाले टर्म ऊपर रख दीजिए। अच्छा, अगर N1 निकालना होता, N1 निकालना होता तो देखिए क्या था फॉर्मूला, N1U1 = N2U2, तो अगर N1 निकालना है तो N2U2 / कितना हो जाएगा, U1। 1 निकालना है तो 1 वाला टर्म नीचे, और 2 निकालना है तो 2 वाला टर्म नीचे, तो N1U1 / U2, और इस तरह से हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में तो डायमेंशनल फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, एक और क्लास लगेगा, एक और क्लास होगा जिसमें इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ने वाले हैं, और ये जो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं इसका एक यूज मैंने भी बताया है, इसका भी बहुत सारे यूज पढ़ने हैं, इसके लिमिटेशंस पढ़ने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला के लिमिटेशंस पढ़ेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद तब हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, एरर पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। तो आज के लिए हम रहने देंगे, लेकिन क्लास खत्म करने के पहले आपसे एक क्वेश्चन जो आप लोग नोट कर लीजिए, अगली क्लास में हम बताएंगे, तब तक आप बना के रखेंगे उसको, ठीक है, नोट कीजिए, बोर्ड मिटाए हम, देखिए यहीं पर क्वेश्चन लिख देते हैं, क्यों मिटाया होगा, यहीं पर क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आप बना के रखेंगे, इफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी इन सीजीएस सिस्टम इज 30.6 g/cm³, फाइंड इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम में इसका वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके रखिएगा, क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, कुछ और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनल इक्वेशन, यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के लिए रहने देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं बहुत सारे टॉपिक के साथ। उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देंगे ताकि हमें पता लग सके और हम इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।